फोर्थ स्टैंडर्ड से सोच लो, तब से ड्रीम था ये प्रतिमा देखने की, और वो चीज़ मेरे आंखों के सामने है। ओ भाई, ऊपर का हालात देख लीजिए। इसका वेट कुछ 650 केजीज है। एक लोती ऐसी तलवार थी उस वक्त की जिसके ऊपर 6 स्टार लगे हैं। सो दिस इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ध्यान में रखिए। एक एक का वेट 50 किलो है, 50 किलो। हमको 2 लीटर की बॉटल लेके इतना ऊपर चढ़ने के सांस फूल जाती है। पूरा फोर्ट ऐसे सजाया जाता है। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो घोड़ी है कृष्णा, उसका देखिए एक ही पैर ऊपर की तरफ है। ये जो पेड़ है वो उस वक्त का है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि ये सब चीजें मुझको देखने मिली। ये कंस्ट्रक्शन एंड अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा कैसे हम एक्सट्रीम बारिश में यहाँ अम्बेनळी घाट में पहुँच गए। सो अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखना। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध प्रतापगढ़ किले की सैर पर। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और इतिहास का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये राइड टूवर्ड्स प्रतापगढ़ फोर्ट। प्रतापगढ़ किला सातारा जिले में महाबलेश्वर के पास स्थित है। यह किला समुद्र तल से लगभग 3,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। यह किला खासकर अपनी ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस किले का इतिहास बहुत ही रोमांचक है। 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच यहीं पर प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और वीरता से अफजल खान को पराजित किया था। किले के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते ही आपको महसूस होगा कि आप एक अलग ही युग में कदम रख चुके हैं। किले की संरचना बहुत ही अद्भुत है। यहाँ 4 झीले हैं, भवानी मंदिर है और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशाल मूर्ति भी है। इन सभी की सैर मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भव्य मूर्ति किले के संरक्षक और महान योद्धा का प्रतीक है। यह मूर्ति उनके साम्राज्य और वीरता को सम्मानित की गई है। किले के भीतर बड़े कक्ष और लंबे अंधेरे गलियार हैं जो आपको मोहित करते हैं। इस किले के आसपास की हरी भरी घाटियां और सुंदर पहाड़ों का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। यहाँ सूर्यास्त देखने का अनुभव बेहद खास होता है। किले के अंदर कई महत्वपूर्ण स्थल भी है, जैसे कि किले का गोदाम और बैठक स्थान, जो तत्कालीन समय में रणनीतिक और प्रशासकीय कार्यों में इस्तेमाल किए जाते थे। सो चलिए शुरू करते हैं इस किले की सैर। सो दिस इज द पार्किंग एरिया ऑफ फोर्ट प्रतापगढ़। हो रही अपनी बाइक। एक्चुअली पार्किंग स्पेस बहुत पीछे की तरफ है, बट एज यू आर हैविंग बाइक अंदर लेके आओ। कोई कुछ नहीं बोलता मेरे को, किसने कुछ बोला नहीं, एंड पार्किंग इज फ्री, किसने कुछ पैसे नहीं मांगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं टू एक्सप्लोर किले प्रतापगढ़, जो मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी वो कम्प्लीट होने जा रही है। बारिश अभी रुक गई है एंड ऑलमोस्ट 450 स्टेयर्स हमको यहाँ पे चढ़नी है, जिसमें से 95 जो स्टेयर्स है वो बहुत स्टीप है, एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। ज़्यादा थकान वगैरह आपको होगी नहीं। राइडिंग जैकेट मैंने रिमूव करके रख दिया है, रेन लाइनर डाला है बिकॉज बारिश का भरोसा नहीं, कहाँ पे ढूंढूँ। टैंक बैग हम खुद कैरी करके जा रहे हैं, उसको भी कवर डाल दिया है मैंने। सो अंदर का अपने जो भी गैजेट्स हैं वो सेफ हो जाएंगे। ये देख लीजिए, ये एरिया आपको ईच एंड एवरी फोर्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ताकि वो है मेन एंट्रेंस, वो भी इतना छोटा छोटा सा है। सो जो बाहर से आ रहे सो उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली गेट है और कहाँ से एंट्रेंस है। बारिश आ गई। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटी छोटी सी तोफ रहती थी वहाँ से अटैक करने के लिए। वो ऊपर की तरफ है, मैं आपको दिखाई दूंगा, एंड ये है मेन एंट्रेंस। अभी आप एंट्रेंस भी देखोगे बहुत छोटा सा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल विथ दो घोड़े के ऊपर से आदमी लोग नहीं जा सकते, नाइदर कोई हाथी के ऊपर से अंदर घुस सकता है। सो दैट्स वाई इतना छोटा सा एंट्रेंस रख दिया है। ये दरवाजा भी बहुत पुराना है उस वक्त का। ये देख लीजिए, इस पत्थर का इस्तेमाल उस वक्त मशाल माउंट करने के लिए किया जाता था। एंड ये है तोफ, इसका वेट कुछ 650 केजीज है। सोच लो 650 केजीज वेट इतना ऊपर आने के लिए। हम लोग को अकेले को ऊपर आने को इतना थकान महसूस होती है, एंड उस वक्त हमारे मावड़े ने इतना वजन लेके ऊपर आए थे। और भी है 50-50 किलो की एक एक तोफ, वो आगे आपको दिखा दूंगा। तो चलो चलते हैं अंदर, बारिश बढ़ गई है
यहाँ पे खाने की एट्रिक्स वगैरह है, सो आपको टेंशन नहीं। सो मेन फोर्ट तो यहाँ से ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाता है, बट उसके पहले हम लोग ये स्पॉट देखेंगे। राइडिंग फ्रॉम मुंबई टू दिस फोर्ट, मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा स्पॉट का जो फोटो है जो हमारी हिस्ट्री की बुक में, फोर्थ स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक में वो फ्रंट पेज पर है, और जो प्लेज रहते वहाँ पर भी वो था। तो दो चीज़ रहती थी, एक तो इस जगह का फ़ोटो एंड प्लस छत्रपति शिवाजी महाराज जी का घोड़े के ऊपर, कृष्णा घोड़ा था उसके ऊपर बैठा हुआ उनका फ़ोटो, वो भी ऊपर है, वो भी आपको दिखाऊंगा, ईच एंड एवरी चीज़ दिखाऊंगा। बारिश का टेंशन है, अपना सब सामान सेफ हो गया, बट ये ऐसे अवतार है, झेल लेना अपने भाई को। ये देख लीजिए, ये उस वक्त का है, गेहूँ बाजरा तांदूर जो भी डाल के इसके अंदर से जो कूटते थे, तो चक्की उस टाइम की ट्रेडिशनल चक्की है ये पत्थर, ये उस वक्त के है। टूट गया अभी, क्या करें, इतना कुछ इस पत्थर ने देखा रहेगा, सहया रहेगा। एंड जो तोप आपको दिखाई थी वो जो 650 केजीस की वो तोप यहाँ पे थी, बट यहाँ पे चल रहा है काम, ये देख लीजिए कंस्ट्रक्शन का, सो दैट्स व्हाई उसको वहाँ पे रखा गया है। आई थिंक बारिश के बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी नीचे की तरफ से भी अगर कोई ऊपर की तरफ है और अटैक होता है, उनको बाहर निकालना है तो दोनों की तरफ, ये भी तक और यहाँ पे भी देखिए, सो बाहर निकलने के लिए जो मेन राजा थे उसके जो सहकारी थे उनको बाहर निकालने के लिए ये रास्ता निकली, दोनों भी तरफ आपको मिल जाएगा। स्टेयर्स यहाँ से नहीं आप चढ़ सकते, आपको साइड से जाना है। सब कौन सी छोटी छोटी चीज़ का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। स्टेयर्स की हाइट देख लीजिए, फ्लैग बंद हो गया, चिपक गया बारिश की वजह से, ये देख लीजिए दोनों भी तरफ आपको ये ऐसे डिज़ाइन वाले मिल जाएंगे। सबसे पहले नीचे वाला रास्ता देख लेते जहाँ से हम लोग आए, वो रहा रास्ता, ये भी पार्किंग बात कर रहा था, यहाँ पे फोर व्हीलर और यहीं पे लग जाएगी, बट बाइक आप अंदर तक ला सकते हो। ये कम्प्लीटली रास्ता देख लीजिए, कितने ऊपर की तरफ है हम वो देख लीजिए, वहाँ पे नीचे की तरफ है गांव विलेज, बहुत ऊपर की तरफ है। अपने गोप्रो ने जान तोड़ दी तो क्या करें, आई एम यूजिंग माई ओल्ड कैमरा, बट वो भी पूरा फॉग ऑफ हो रहा है, डोंट नो क्या हुआ है उसके अंदर, मैं कम्प्लीटली अपनी वाटर प्रूफ केस यूज़ कर रहा हूँ। कोई नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू द रोड, द फोर्ट, क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, चार्जेस कितने, आपको गाइड चाहिए तो वहाँ पे गाइड मिल जाएगा, एंट्री के यहाँ पे गाइड है, 600 rupees पर गाइड चार्जेस है, आप ग्रुप हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। वो रास्ता देख लीजिए, इतने दूर से हम लोग ऊपर की तरफ आए। सो चलो, सो ये साइड था एक एरिया का फोर्ट का, एंड मेन फोर्ट ऊपर की तरफ है बाले किला करके, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फ्लैग है, वो भी ऊपर की तरफ है। नज़ारा देख लीजिए, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ वाई इट्स टू डेंजरस टू विजिट इन मॉनसून। देखिए कंप्लीट फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है आगे की तरफ। बारिश में ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये गुप्त रास्ता आपको दिखा देता हूँ आगे तरफ, ये शटर करके बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क कर चल रहा है, ये देख लिया, और यहाँ पे अभी सेफ्टी डोर डाल दिए, तो उस एरिया में जाने को नहीं मिला, यहाँ पे देखते हैं। ओके, बारिश की वजह से यहाँ पे ना पूरा और पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चले तो सर पे लग जाएगा, एंड कंस्ट्रक्शन का काम देख के एक चीज़ आपको पता चलेगी, फोर्ट है महाराष्ट्र में, फोर्ट और कंस्ट्रक्शन का काम। एक चीज़ बता दूं, ये फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र शासन की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो वंशज भोसले फैमिली जो है उनको बिलोंग करता है ये फोर्ट, सो दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ध्यान में रखिए। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो मैंने एक स्टेप वेल दिखाई थी नियर सातारा, सो वो भी प्रॉपर्टी थी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर कम्प्लीटली लिखा हुआ था। धीरे 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 फॉग में चल रहे हैं हम लोग, सो अभी करते हैं ये पार्ट कवर, यहाँ पे है बाले किला और प्लस टेम्पल ऑफ महादेव जी। सो ये यहाँ पे रास्ता है, बट करंटली यहाँ पे बंद करके रखा है, तो ये रास्ता यूज़ होता था वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो ये रास्ता बिलोंग्स टू नॉर्मल पीपल, जिनको भी ऊपर फोर्ट के ऊपर जाना है, बट ये रास्ता खास छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए रहता था, उनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था कृष्णा, तो एज अ राजा है वो इस फोर्ट के, तो उनको यहाँ पे अंदर आने के लिए अलग रास्ता था, आम रास्ते से नहीं आते थे, तो यहाँ से ऊपर आके इस रास्ते से वो ऊपर चले जाते थे।
अभी करंटली पूरा बंद करके रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। एक्सप्लोर करने नहीं मिल रहा है, बट एक चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरे राजा के पुल का मेंटेनेंस हो रहा है ताकि वो और भी अच्छी तरह बरकरार रहे। जैसे मैंने विजिट किया था इन राजस्थान जयपुर, क्या वहाँ की फोर्ट की कंडीशन है यार। मेरे राजस्थान जयपुर व्लॉग देख लीजिए, कुंभलगढ़ फोर्ट के क्या टॉप नॉच कंडीशन में अभी भी। और ये सब फोर्ट की हालत देखिए बहुत बुरा लगता है, बट ये चीज़ देखिए बहुत अच्छा लगा। गुड, अभी चलते हैं आम आदमी के रास्ते से। ओ भाई, ऊपर का हालात देख लीजिए, कंप्लीट फॉग है। आई डोंट थिंक मुझको वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू देखने मिलेगा। एक लॉजिक वाली चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो स्टेयर्स है ना, ये जो है कंप्लीट पत्थर है, उस वक्त बिल्ड किया हुआ है जब एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था, और ये टाइल्स गवर्नमेंट ने लगाई हुई है करंट, तो उसकी क्या हालत हो गई देख लीजिए। सो ये कंस्ट्रक्शन एंड अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये देख लीजिए, ये डिफरेंस है। लेते भवानी माता का दर्शन। ये था भवानी माता का टेंपल, यहाँ पे शूटिंग अलाउ नहीं थी। एग्जैक्टली उसके पीछे अंबीर मोहिते जी की तलवार है, जिसके ऊपर टोटल 6 स्टार लगे हुए हैं। उसके पीछे का कुछ लॉजिक है, जितने युद्ध वो जीतेंगे उतना एक एक स्टार लगेगा। तो ये एक लौती ऐसी तलवार थी उस वक्त की जिसके ऊपर 6 स्टार लगे। अभी तलवार इस तरफ की तो 3 ही दिखे और 3 अपोजिट साइड तरफ है। देखिए बहुत रेयरली ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है, कोई यूट्यूब वीडियोज़ में ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो आपका भाई दिखा रहे सब चीज़, तो अगर वीडियो आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। सो नीचे जब मैंने 650 kg की आपको तोप दिखाई, उसके बाद बोला था कि 50 किलो की जो तेल से चलने वाली तोप है ऊपर, सो ये रही यहाँ पे, लेट मी शो यू। सो ये देख लीजिए, ये तेल से चलने वाली तोप थी, एक एक का वेट 50 किलो है। 50 किलो, हमको 2 लीटर की बॉटल लेके इतना ऊपर चढ़ने के सांस फूल जाती है, इतना वजन। एंड कैसे उस वक्त एक एक आदमी ने 50 kg की ये तोप ऊपर लाई रहेगी। देखिए हर एक का अलग अलग मॉडल है। मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि ये सब चीज़ें मुझको देखने मिली उस वक्त की वो चीज़ें। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ देखी रहेगी, स्वराज्य के लिए क्या क्या किया रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बड़ा सा स्टैचू है। तो जब भी आप प्रतापगढ़ फोर्ट पे आओगे तो ये सारे पॉइंट्स पे विजिट करना मत भूलना। जब भी यहाँ पे मशाल महोत्सव रहता है तो ये देख लीजिए, पूरा फोर्ट ऐसे सजाया जाता है, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। और भी ऊपर चढ़ना है और ऊपर की तरफ चल रहा है फॉग। बस मेरे राजा की प्रतिमा मुझको देखने मिले, बस ये एक इच्छा है। ये बुर्ज की साइज़ देख लीजिए, और ऐसे माना जाता है ये जो पेड़ है वो उस वक्त का है। ये है एंट्रेंस ऑफ बाले किला। बारिश चालू हो गई और यहाँ पे कोहरा भी बढ़ गया। फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद मुझे मेरे राजे की प्रतिमा दिख गई। इतनी खुशी हुई है दोस्तों, क्या बताऊँ। 4th स्टैंडर्ड से सोच लो, तब से ड्रीम था ये प्रतिमा देखने की, और वो चीज़ मेरे आँखों के सामने है, आपको दिखाता हूँ। ओ बारिश, रुक जा यार बारिश, रुक जा। ये रहे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज। जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तब, ये जो स्टेयर्स भी मैंने आपको दिखाई वो तब कंस्ट्रक्ट की हुई। सोचो पंडित जी जो आए थे जब ये प्रतिमा यहाँ पे इंस्टॉल की थी। 4,500 kg वेट है इसका। ये 3 अलग अलग धातु से बनाई गई है। मुंबई में विले पार्ले करके एरिया है, वहाँ के उनका नाम भूल गया, वीडियो के नीचे डाल दूंगा, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया। अल्टीमेट आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, 1957 इंस्टॉल की है। सोच लीजिए उस वक्त भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये है मेरा राजा।
साइड से, बिकॉज यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। सो अभी आप देखोगे ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो घोड़ी है कृष्णा, उसका देखिए एक ही पैर ऊपर की तरफ है। सो ये भी कुछ चीज़ बयां करता है, हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप महाराणा प्रताप जी का स्टैचू और नहीं झांसी की रानी जी का स्टैचू ऐसा घोड़े के ऊपर देखिए, उनके घोड़े के दोनों भी पैर है वो हवा में ऊपर रहते, दैट मीन उनकी जो जान गई वो युद्ध भूमि में चली गई है लड़ते लड़ते। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अंतकाल हुआ वो ड्यू टू इलनेस हुआ था, सो दैट्स वाई एक ही लेग ऊपर की तरफ रखा हुआ है। सो ये लॉजिक है बिहाइंड दिस पार्ट। इफ़ इनकेस आपको ये चीज़ पता नहीं थी, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन टू दिस व्लॉग। चाहिए तो यहाँ पर बैठने के लिए छोटा सा गार्डन और प्ले एरिया भी है छोटे बच्चे लोग के लिए, बट क्या प्ले एरिया, कुछ नहीं दिख रहा है बॉस आगे की तरफ का एंड मेरा राजा। हो गई बॉस, मेरी इच्छा पूरी हो गई। खूब खूब धन्यवाद प्रभु, खूब खूब धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ पे एक तोप भी है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे टी शर्ट भी मिल जाते हैं 100 रुपीज़, वाइट वाले एंड ब्लैक वाले 120 रुपीज़ में भी ले रहा हूँ और सिया के लिए भी ले रहा हूँ। सो उसी का कोई शॉपिंग चल रही है अभी। सो ये अपनी हो गई है शॉपिंग ऑफ प्रतापगढ़। नॉर्मली कैसे रहता है, हर जगह पे मिल जाता है ना कुछ तो, फ्रिज मैगनेट या कुछ ना कुछ तो मैं लेते रहता हूँ। फ्रिज मैगनेट अभी बहुत हो गए, नॉर्थ ईस्ट की राइड में इतने सारे ले लिए थे पूरा फ्रिज भर गया, एंड लद्दाख वाले तो पहले से थे। सो इसीलिए टी शर्ट ले लिए मेरे महाराज के सिया के लिए और मेरे लिए। सो ये यादें हमेशा रहेगी प्रतापगढ़ के ऊपर से, और ऐसे क्लाइमेट में ऐसी शॉपिंग की थी। ये देख लीजिए बॉस, व्यू देख लीजिए, कम्प्लीटली फॉग है। सो टाइम चेक 2:15 हो गए हैं अभी, यहाँ से और भी अपन को 45 किलोमीटर के भी ऊपर है दूर जाना है। सो नीचे जाते हैं, पर्पज अपना राइडिंग जैकेट पहनते हैं एंड देन जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे तो बारिश नहीं है, नीचे जाने के बाद आगे महाबलेश्वर में बारिश रहेगी, तापोला में बारिश रहेगी, और मेन तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, लेट्स सी क्या होता है। बारिश हो गई स्टार्ट एंड आई एम बैक टू बाइक पार्किंग। ये है छोटूला वाटरफॉल, बड़ा आवाज़ इतना क्यों आ रहा है। ये देख लीजिए दरी पॉइंट की लोकेशन पे हूँ, यहाँ पे स्टिल 7 किलोमीटर महाबलेश्वर दूर है। एंड ये देखिए कितना लाउड है इसका आवाज, ओ शिट मैन, फोर्स देखिए। कितने फोर्स से पानी गिर रहा है बॉस, अल्टीमेट है। बस ऐसे जगह चाहिए थी कि बाइक अपनी उसके नीचे खड़ी करो। जब मैं उत्तराखंड गया था ना केदारनाथ के यहाँ पे, वहाँ पे ऐसे स्पॉट थे पानी ऊपर से झरना गिरता है, आप गाड़ी बाइक फोर व्हीलर उसके नीचे खड़ी करके वॉश करा सकते हैं। पब्लिक वॉश लोकल वहाँ पे वॉश कराते थे, बट एक नंबर है प्योर नेचर। एंड ये देख लीजिए क्या चल रहा है, वॉक चल रहा है। ओ भाई ये देख लीजिए किस रास्ते से आया हूँ मैं, सॉरी यार, बहुत अच्छा रोड है, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है, बट अपना गोप्रो ने जान तोड़ दिया, अभी क्या करें। मैंने दूसरी बैटरी डाल के भी देखी बट नहीं हो रहा है, अंदर पानी दिखा रहा है, तो उसको रात भर अभी ओपन करके देखता हूँ। होटल में फैन के नीचे चला तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज अपने पास पुराना कैमरा है बट उसके अंदर वाटरप्रूफ केस डाल के यूज़ करूँगा। बट वो पूरा फॉगअप हो रहा है, आई डोंट नो क्यों फॉगअप हो रहा है, मे बी रेन में यूज़ किया इसके लिए, अदरवाइज विदाउट रेन भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट व्लॉग। तो नज़ारा एक नंबर है, बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। इंस्टा 360 की भी बैटरी डाई हो गई, उसको चार्ज करना है। ये देख लीजिए क्या हो गया सामने नज़ारा, ये देख लीजिए पल में यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है बॉस, ये देख लीजिए अल्टीमेट है बॉस। तो कुछ ऐसे रास्ते से इस प्रॉपर्टी की तरफ आया था, बट यार ये होटल बंद है लगता है, कोई नहीं यहाँ पे, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे ताला लगा दिया है, यहाँ पे कम्प्लीटली होटल बंद करके रखा है। एंड मेन प्रॉब्लम है इंटरनेट भी नहीं है, नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, तो किसको फ़ोन करूँ कुछ पता नहीं आ रहा है, लोग का मोबाइल नंबर भी नहीं। एंड पूरे रास्ते में आया हूँ मैं अंदर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, घर में कोई नहीं, सब सुनसान है यार, यहाँ पे वापस अभी उल्टा जाना पड़ेगा।
तो बारिश में हालत खराब हो जाती है। एंड मैवरिक One eternity later. सो रहे अपनी मैवरिक पार्किंग में कम्प्लीटली सेफ। और ये कुछ होटल मिला है हमको, होटल का नाम है होटल कदम पैलेस। ये अपना कुछ रूम है, इतना बड़ा रूम मिला है। हीटर मांग लिया मैंने बिकॉज अपनी जीन्स से लेके हर एक चीज़ गीली हो गई है। सो अभी करंटली ये सब चीज़ को सुखाने के लिए रख दिया हीटर के नीचे। सॉक्स भी अंदर पूरे गीले हो गए यार, और राइडिंग जीन्स ख़राब हो गया। अभी क्या मेरे को समझ में आ रहा है, ये एक ही पैंट लाई थी मैंने, वो भी नहीं। फ़ोन के अंदर भी कम्प्लीटली मॉइस्चर पकड़ा कर फिर भी मैसेज आ रहा बारिश में यूज़ किया तो। सो प्रॉब्लम यहाँ पे कि यहाँ पे पास दो हफ्ते से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई होटल ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो मैं पकड़ूंगा 7-8 जगह पे गया, हर एक जगह पे लॉक, ओनर से वो लॉक करके अपने अपने गांव चले गए बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिस्क आनी है ट्रैक के लिए, उनको जोर से बारिश गिर रही है। तो ये होटल मिल गया बिकॉज यहाँ पे खुद रहते हैं, तो ये होटल में रूम मिल गया। 1500 रुपीज़ बोल रहे थे विदाउट फूड, तो 1200 पे एग्री हो गए इंक्लूडिंग फूड। मेन चीज़ यहाँ पे वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी है, तो वही तो चीज़ चाहिए थी। और हीटर ऑल सॉर्टेड है, तो अभी कम्प्लीटली फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ एंड डाटा कॉपी करने का अपना काम चालू कर देता हूँ। बाय द वे टाइम इज 5:15, ऑलमोस्ट 5:15 हो गए। देखो मुझको याद है 2:15 हम लोग प्रतापगढ़ से निकले थे, होटल ढूंढने में इतना टाइम लग गया। अरे दोपहर का खाना भी रह गया, वो जो सुबह मिसल पाव खाया था बहुत देर से, अभी रात को खाना इनको बोला है जो भी रहेगा दे दो, बस भूख लगी है दे दो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल एंड दिस व्लॉग हियर। एक बड़ा टेंशन आ गया कि यहाँ पे लोकल बोरे इतना बारिश गिर रहा था, और नहीं जो इस रोड से जाने वाला था कम्प्लीटली ऑर्बिट वाला रोड है, तो वो बोल रहे कि आप बोल नहीं सकते वहाँ पे क्या कंडीशन हो गई बिकॉज वहाँ पे कोई पब्लिक जाते नहीं, टूरिस्ट जाते नहीं, गाँव का रास्ता है, गाँव वाले ने कभी ट्रैवल किया तो कभी, अगर वो भी अपने घर में ही रहते हैं और वहाँ पर लैंडस्लाइड रहेगी तो वो पता नहीं क्या होने वाला है। वापस प्लान कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो फिकर नॉट, जो भी होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द नेक्स्ट व्लॉग। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक द बटन जरूर दबाना। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, जैसे आपके साइड से एक लाइक बटन दबा दो, एंड वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या।